अगर आपने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराए हैं और अभी तक उसमें मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट नहीं किए हैं, आप ये सीखना चाहते हैं कि मोबाइल बैंकिंग किस तरीके से किया जाता है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से मोबाइल बैंकिंग शुरू कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा यह है कि आप उससे रिचार्ज कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं और बहुत सारी सुविधा आपको मिलेंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ जाएंगे और सर्च करेंगे IPPB, उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट का मोबाइल बैंकिंग ऐप आ जाएगा, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मेरा इंस्टॉल किया हुआ है, चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप इसको अलाउ कर देंगे। उसके बाद यहाँ से न्यू अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं, और अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, यहाँ पे कस्टमर आईडी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। चलिए मैं इतना फिलअप कर लेता हूँ। इतना फिलअप करने के बाद नीचे रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एम पिन बनाना होगा, आप 4 अंक का कोई भी पिन बना सकते हैं, चलिए मैं बना लेता हूँ। फिर नीचे भी जो आपने ऊपर पिन डाला है उसको फिर से यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद सेट एम पिन पे क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। OTP फिलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे लॉगिन पे आप क्लिक कर देंगे और जो आपने एम पिन बनाया उसको आप यहाँ पे डाल देंगे। तो आप देख सकेंगे कि आपका मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अपना UPI बना सकते हैं, सेंड मनी पे क्लिक करके आप किसी को भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, यहीं से आप अपना मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं। और यहां से स्कैन पे क्लिक करके आप कहीं पे बिल पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।